हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर फ्रॉम माउंट लेटरा जी स्कूल रामपुरा फूल। नाउ फ्रॉम चैप्टर 7, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक्स अबाउट द फ्लावर्स। नाउ व्हाट आर द फ्लावर्स? फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट स्मेल्स। कुछ फ्लावर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड इन स्मेल, दे आर वेरी फ्रेग्रेंट, वेयर एज कुछ नहीं होते हैं। इवन सम आर नो स्मेल, देयर इज नो स्मेल, देयर आर ऑडोरलेस। नाउ हाउ डज फ्लावर बिगिन? फ्लावर बिगिन्स एज अ बड। इफ यू सी इन दिस पिक्चर, देयर इज अ बड ओवर हियर ऑन द बेस ऑफ द लीफ। देयर इज अ बड नियर द स्टेम एंड द लीफ। ऑन द बेस ऑफ द लीफ देयर इज अ बड। द बड ओपन्स अप एंड ब्लूम इन टू द फ्लावर, very beautiful flower, and this flower further gets converted into the fruit. Now inside the fruit we have seeds in it. You can see the seeds over here. We have a seeds in it. From the seed we plant the seed and the we get a seedling, and after the seedling there is a new plant. So this is the journey of a plant, from a bud to a new plant. Okay, now different parts of the plant, flowers. There are very different flowers of the parts. There are different common parts are sepal, petals, stamen and pistil. Firstly, what are the sepals? If you see, sepals are the green in color. They are green in color and they protect the flower when it's in the bud stage. जब flower अभी हुआ नहीं होता है, छोटा सा होता है, तब अगर इसमें देखोगे कि ग्रीन कलर के पेटल शेप्ड होते हैं, वो फ्लावर को, उसके अंदर फ्लावर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज। उसके बाद फ्लावर जो बड होता है वो ब्लूम अप होता है इनटू अ फ्लावर। तो ये जो सेपल्स होते हैं वो साइड में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइटफुल कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये पेटल्स इतने ब्राइट कलर के होते हैं कि ये दे अट्रैक्ट सम इंसेक्ट्स एंड बीज एंड बटरफ्लाइज टू कम एंड कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो जो स्टेमन है दैट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट्स होते हैं। स्टेमन एक मेल पार्ट है जो जिसमें एंथर और फिलामेंट इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, देयर इज अ ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर का फाइब्रस पार्ट है विच इज नोन एज फिलामेंट, और उसके ऊपर एक येलो कलर का पोलन ग्रेन टाइप कुछ लगा हुआ है विच इज नोन एज एंथर। नाउ नेक्स्ट इज पिस्टल। पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जिसमें स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसमें फीमेल मेल पार्ट का पोलन ग्रेन कलेक्ट करता है। उसके बाद आप देखोगे स्टाइल, दिस ट्यूब, मेनली दिस इज द ट्यूब जिसमें से ये कैरी होता है। जो पोलन ऊपर आता है वो नीचे तरफ कैरी होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज नोन एज स्टाइल। और उसके अंदर होती है ओवरी, ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर का, दिस इज नोन एज ओवरी। ओवरी में आप देखोगे यहाँ पर ओव्यूल, पोलन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, तो दिस इज द ओवरी। नाउ पिस्टल जो होती है वो फीमेल पार्ट होता है विच इंक्लूड्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट फ्लावर्स इन द डिफरेंट सीजन्स। बहुत सारे सीजन्स में, जैसे स्प्रिंग आता है, समर आता है, ऑटम होता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं। नाउ इन द स्प्रिंग सीजन कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में? डेफोडिल्स, टूलिप्स, चेरी ब्लूसम्स। आप इनकी पिक्चर्स भी देखोगे, अपनी बुक पर भी देखोगे और यहाँ पर भी देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी हैं। उसके बाद समर सीजन विच इज़ अ हॉट सीजन, उसमें फ्लावर्स आते हैं मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड लोटस। ऑटम और विंटर में आते हैं पेंसिस, डालिया एंड क्रिसैंथेमम्स।
और एक होते हैं जो ऑल सीजन चलते हैं, मीन्स थ्रू आउट द सीजन यू कैन गेट दिस फ्लावर्स। वो कौन कौन से होते हैं? रोज होता है, पर्पल कॉर्नफ्लावर्स होते हैं और लीलीज होती हैं। कुछ अब हमारे फ्लावर्स हमारी डेली लाइफ में क्या हेल्प करते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं, सम ऑफ द फ्लावर्स, इफ आप देखोगे पिक्चर में, ब्रोकली, ये ग्रीन वाली ब्रोकली है, एंड कॉलीफ्लावर और पम्पकिन, ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं, वी ईट दिस फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल। देयर आर मेनी नेचुरल डाइज, ऑयल्स, परफ्यूम्स, शैम्पूस जो कि हमारे डिफरेंट फ्लावर्स से बनते हैं। इवन वी यूज द फ्लावर्स टू डेकोरेट आवर हाउसेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स और एनी फंक्शन, कोई भी हमारे घर में फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, वी यूज टू डेकोरेट आवर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ अ फ्लावर्स। नेक्स्ट इज फ्लावर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन द डिजाइनिंग ऑफ क्लोथ, ज्वेलरी, घर में वॉल प्रिंट्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी वी यूज द फ्लावर्स। सम वुमेन वेयर द फ्लावर इन देयर हेयर, कुछ लोग अपने हेयर डेकोरेट करने के लिए वी वुमेन जो होती हैं वो फ्लावर्स को वेयर करते हैं। नेक्स्ट इज कई लोग फूल हम लेकर जाते हैं ना मंदिर में, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, वी टेक दिस फ्लावर्स टू द टेम्पल इवन, सो देयर आर मेनी डिफरेंट यूजेस ऑफ द फ्लावर्स। नेक्स्ट इज फ्लोरिस्ट, हु आर द फ्लोरिस्ट, द फ्लोरिस्ट आर द पीपल हु सेल दिस फ्लावर्स, आपकी दुकान के पास जाते हैं ना जो फूल बेचते हैं, दीज पीपल आर नोन एज फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिफरेंट ट्रीज, देर आर वेरी कॉमन ट्रीज, इफ यू सी अराउंड देर आर मेनी कॉमन ट्रीज लाइक नीम, पीपल, टर्मेट, कोकोनट, किकर, आमला, बेल, सो देर आर मेनी डिफरेंट ट्रीज, यू विल कॉमनली फाउंड दिस ट्रीज एवरीवेयर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ट्रीज, वन ऑफ दिस ट्रीज नीम ट्री। नीम ट्री इज वेरी कॉमन, यू कैन फाइंड इट इवन इन आर स्कूल और इन योर होम्स और ऑन द रोड साइड यू कैन फाइंड दिस ट्री। जो इसका लीव्स होते हैं एंड द बार्क्स, व्हाट आर द बार्क्स, बार्क्स जो होते हैं, आपने ट्रंक देखा है ना, जो ट्री का ट्रंक होता है ब्राउन कलर का बड़ा सा स्टेम, उसके जो पार्ट उतरते हैं ब्राउन ब्राउन पार्ट उतरेगा उसको हम बोलते हैं बार्क्स। जो बार्क्स होते हैं, लीव्स होते हैं, दे आर यूज इन द मेडिसिन, टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पूस। जो नीम के लीव्स होते हैं वो हमारा ब्लड भी प्योरीफाई करते हैं, सो द लीव्स एक्ट एज अ ब्लड प्योरीफायर, हमारा जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करते हैं। बहुत लोग नीम के जो लीव्स होते हैं उनको उबाल कर दे ईट देम और दे ड्रिंक दैट वाटर, राइट, टू प्योरीफाई योर ब्लड। नेक्स्ट इज यूकलिप्टस ट्री। नाउ इसका जो ऑयल होता है, द ऑयल वी गेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ दिस ट्री, बहुत सारे उसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं। जो वुड होती है वो पल्प बनाने में हमारी हेल्प करती है, सो द वुड इज यूज टू मेक द पल्प एंड द ऑयल जो हमें लीव से मिलता है इज यूज हैव अ मेनी मेडिसिनल यूजेस। नेक्स्ट इज किकर एंड बबुल। नाउ इफ यू गो एनी वेयर यू कैन फाइंड दिस किकर, किकर इज अ प्लांट यू कैन गेट एनी वेयर इधर इन द डेजर्ट इवन, बिकॉज वो बहुत स्लो, थोड़े वाटर में भी इट ग्रोज इट। जो इसकी वुड होती है दे आर मेनली यूज टू मेक अ व्हील्स ऑफ अ बुलकाट, बुलकाट के जो व्हील्स होते हैं उसको बनाने में हमारी हेल्प करती है। एंड यू मस्ट हैव सीन द इंसेस्टर्स, लोग इससे अपने टीथ भी क्लीन करते थे। नेक्स्ट इज पीपल ट्री। पीपल ट्री जो होता है दैट इज वेरी सेक्रेड बाय मैनी पीपल, मीन्स इसकी बहुत पूजा करते हैं, इवन इन द हिंदू रिलीजन बहुत लोग इसकी पूजा करते हैं। जो इसके लीव्स होते हैं उसको हम ऐसा मोफिटिस यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत यूज होते हैं इसके लीव्स। नेक्स्ट इज आंवला। आंवला, रॉ आंवला, ऐसे ही आंवला अगर आप तोड़कर देखोगे, जो आंवला का फ्रूट होता है उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। लोग इनके पिकल्स, चटनीज में भी यूज करते हैं, लोग इनको खाते हैं, इवन दे अप्लाई देम ऑन द हेयर टू गेट अ ग्रे हेयर रिमूव करने के लिए, टू गेट अ ब्लैक हेयर, लोग अपने आंवला के यूज करते हैं, इवन दे ईट इट फॉर अ मेडिसिनल यूजेस, इसकी चटनीज बनाकर, पिकल्स बनाकर, और एज इट इज भी बहुत लोग खाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बेल। बेल इज अ फ्लावर दैट इज यूज, इसके जो लीव्स होते हैं, जो इसका फ्लावर होता है बेल ट्री का, दे आर यूज, दे आर मेनली इसके हम पूजा करने के लिए यूज है, बिकॉज इसको बहुत ही इन द हिंदू रिलीजन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट माना जाता है। सो इसके जो लीव्स होते हैं और जिसके फ्लावर्स होते हैं इसके हम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्रूट होता है, बहुत सारे डिलीशियस शरबत, शरबत यू कॉल इट व्हेन वी हैव अ शरबत, उसमें यूज होता है।
So these are the medicinal, these are the common used trees we have us around. Now कुछ trees होते हैं जो हमारे घर में we have our trees at our home or in our gardens, ठीक है, or near our boundaries. उन trees को कौन take care करते हैं? That plants are grown in our homes and in our gardens and we use these plants. So these plants are known as domestic plants. कुछ plants होते हैं which are mainly in the like in the municipal committees, जो हमारे इन common parks में होते हैं, जो side road sides में होते हैं, they are public plants. वो plants public use के लिए होते हैं. उनकी take care कौन करते हैं? Municipal committees send the tanks of water or their soil nutrition. They send by themselves and they are taken care by the municipal committees. And such plants are known as public plants. So this was about our flowers and the common plants. Thank you.